हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल इनो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आई, आज का हम वीडियो लेंगे BHD 143 प्रेमचंद। और इसमें हम आज ब्लॉक टू लेंगे। ब्लॉक वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक टू में प्रेमचंद का साहित्य टू, यानी ब्लॉक वन प्रेमचंद का साहित्य वन। नहीं वॉच किया है तो वॉच कर लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। आज ब्लॉक टू में हम यूनिट 8 एंड 9 लेंगे, जो है पूस की रात। देखिए, आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएसी के स्टूडेंट हैं, तो आपने ऑलरेडी बीएसडीएलए में ये पढ़ा है पूस की रात को, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ। ऑलरेडी उसी वीडियो को मैं यहाँ पे एज इट इज डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि आपकी यूनिट 8 में पूस की रात है, और उसमें मतलब कि 8 और 9 दोनों में पूस की रात है, बस थोड़े से कंटेंट जो है क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। जैसे जैसे वाचन और व्याख्या 1 में हो गया, 8 में, और 9 में हो गया कथा वस्तु और विश्लेषण, ठीक है। तो हमने इसी को एक वीडियो में कर दिया। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। ये लाइव क्लास का वीडियो है, इसमें साउंड नॉइस प्रॉब्लम थोड़ी सी पता चलती है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट करिएगा, मैनेज करिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं BHD 143 प्रेमचंद का पूस की रात को। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए यदि आप नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी जुड़ पाएंगे। और साथ ही साथ में हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे ले लेते हैं पूस की रात। पूस की रात कहानी जो है प्रेमचंद जी की है, उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। ये उनके जीवन की बहुत अच्छी कहानी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये जो कहानी है उनके जीवन की लिखी हुई कहानियों में से बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन किरदार है, खासतौर पे दो किरदार है। एक हल्कू है जो मेन इसका कैरेक्टर है, दूसरा मुन्नी है जो उसकी वाइफ है, और तीसरा यहाँ पे कुत्ते को भी, जमाल शायद उसका नाम है, आगे देख लेंगे, यहाँ पे रखा गया है। तो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। कहानी को मैं क्षणिक रूप में आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। कहानी का सार ये है कि हल्कू जो होता है वो एक किसान होता है, और जनरली हम लोग जानते हैं कि किसान की लाइफ कैसी होती है, किस तरह की होती है, स्ट्रगल वाली होती है। लेकिन ये कहानी जो है स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी, इस चीज को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। आजादी मिलने के पहले ये कहानी लिखी गई थी, यानी उस समय गुलामी थी, तो उसके आधार पे आपको इसको समझना होगा कहानी को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस समय किसानों का शोषण किया जाता था, जमींदार साहूकार लोग हुआ करते थे। ये कहानी का मेन चीज है, ट्विस्ट है। तो जो हल्कू था वो किसान था, ठीक है, खेती किसानी करता था। अब भाई जो किसान होता है वो क्या करता है कि जो जमींदार साहूकार होते हैं उनसे वो क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, चाहे वो खेत के लिए हो चाहे अपने पेट पालने के लिए हो, क्योंकि खेती जो होती है तुरंत नहीं हो जाती है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर का टाइम उन्हें लगता है। तो बीच में किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो उनसे पैसे लेते हैं, किनसे, जमींदार और साहूकार लोगों से। हल्कू ने भी जमींदार और साहूकार से पैसे लिए थे। ये रियल फैक्ट है कि यदि इंसान, एक कृषक, कृषक जो किसान इंसान है, यदि वो किसी से पैसा लेता है जमींदारी के लिए, तो वो उसमें फंसता चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार उसने पैसा ले लिया, एक बार उसने उधारी कर ली, तो वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। इसी चीज को इस कहानी में दर्शाया गया है। तो हल्कू ने, हल्कू के पास जो साहूकार होता है वो आता है और वो पैसे उससे मांगता है, और हल्कू थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि हल्कू के पास 3 रुपए थे। पूस की रात थी, ठंड का सीजन था, खेती भी चल रही थी, और उसे रात में खेत में जाके सोना पड़ता था खेत की रक्षा के लिए, क्योंकि वहां पे नील गाय आती थी और खेतों को नुकसान पहुंचाती थी। इसलिए उसने यहाँ पे 3 रुपए अपने पास रखे थे कंबल खरीदने के लिए, और उसने अपनी वाइफ को, यानी मुन्नी को, उसने वो पैसे दे दिए थे, ठीक है ना। लेकिन जब साहूकार आता है उससे पैसे मांगता है और कोई रास्ता भी नहीं रह जाता है, तो उसकी वाइफ बल्कि मुन्नी गुस्सा भी होती है, ठीक है। वो ये कहती भी है कि खेती जो है तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो, मर मर के काम करो और उपज वो तो बाकी दे दो,
चलो छुट्टी हुई, ये उसका एक डायलॉग होता है जो शायद आगे चल के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। हमारा जन्म तो चुकाने के लिए ही हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, मजदूरी यानी मजदूरी करना, ये भाषा शिल्प है, आपको समझना होगा। ये संरचना शैली है, यहाँ पे उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी सभी तरह की लैंग्वेज मुंशी जी ने यूज की है, यही आपको संरचना शिल्प में भाषा शैली में लिखना होगा, ठीक है ना। ऐसी खेती से बाज आए मैं, रुपए ना दूंगी मुन्नी कहती है, लेकिन मजबूर होके जो है हल्कू को वो 3 रुपए देने ही पड़ते हैं, क्योंकि हल्कू कहता है कि क्या मैं गाली खाऊं यदि पैसे नहीं दूंगा तो मुन्नी जो है कहती है गाली क्यों खाओगे, और आखिर मजबूर होके वो 3 रुपए दे देती है, और हल्कू भी 3 रुपए उस जमींदार को, साहूकार को दे देता है, वो चला जाता है वहां पर। अब रात का टाइम आता है और रात की पूस की रात, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, पूस का मतलब जो दिसंबर की ठिठुरती रात होती है, जो सर्द वाली हवा वाली रात होती है, उसे अपने खेत पे जाना होता है, और वह खेत की ओर जाता भी है, और उसके साथ में उसका एक कुत्ता होता है जिसका नाम चबरा होता है, ठीक है, और वो खाट के नीचे उसके लेटता है, लेकिन हल्कू के पास कुछ नहीं होता है, वो अपने घुटने को, गर्दन को चिपका के सोता है, जैसे जनरली ठंड में हम लोग सोते हैं, सिकुड़ के सोना जिसे कहते हैं, लेकिन ठंड तो उससे नहीं जाती ना, ठंड में तो कंबल और ये सभी चीजें ओढ़ने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन हल्कू के पास ऐसा कुछ नहीं था, और कुत्ता भी है वो भी दुम हिलाए हुए था, उसे भी ठंड लग रही थी, ठीक है ना। ओके, अब क्या होता है कि हल्कू ने क्या किया कि हाथ निकाल कर कुत्ते की पीठ को सहलाया और बोला कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो तुमको भी ठंड लग जाएगी, ठीक है ना। और फिर वो क्या करता है, आखिर ठंड तो ठंडी होती है, और वो उठता है, कुत्ते को ही उठा के अपने पास रख लेता है। कुत्ता बहुत बदबू कर रहा था, लेकिन उस वक्त ठंड में ये चीजें नहीं दिखती हैं, क्योंकि कुत्ते को पास साथ में लिटाने से उसे गर्मी फील हो रही थी। फिर वो उठता है, चिलम जलाता है, ठीक है ना, और इसके बाद कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं और उसको जलाते हैं, और इस तरह से ठंड चली जाती है। हल्कू ये चीज देखता है, वो जानता है कि जो कुछ खेत उसका जो सामने था, तो वो जानता है कि जो नील गायें हैं वो उसके खेत में घुस आई हैं, उसके आंख के सामने नील जो गायें हैं वो खेत को उजाड़ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था और वो चुपचाप सो गया। सुबह जब उसकी बीवी मुन्नी खेत पर आई तो वो देखते ही चिल्ला उठी, तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक सो रहे हो, यहाँ पे बर्बाद हो गए, हमारा जो पूरा खेत था वो नील गायें जो है वो क्या कर गई, खा गई है, ठीक है ना। और हल्कू जो था उसमें बहुत ही संतोष का भाव था, संतोष का भाव क्यों था, संतोष का भाव संतुष्टि का भाव था, संतुष्टि का भाव ये था कि वो मन में सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ पीछा तो छूटा इस खेती से, है ना, यानी खेती से अब पीछा छूट जाएगा। और उसने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें खेत की पड़ी हुई है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, उसने झूठ बोला, लेकिन वो संतुष्ट था इस चीज से कि अब खेती में यानी ठंड में रोज रोज यहाँ नहीं आना पड़ेगा और यहाँ ठंड में नहीं सोना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये है कहानी यहाँ पे, ये आपकी पूस की रात की कहानी है, इसमें दर्द बताया गया है, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक दर्द बताया है, एक किसान का दर्द इसमें बताया है, किस तरह से एक किसान जो होता है वो परेशान होता है, किस तरह से वो करता है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, क्योंकि अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं या फिर FSD 2 वाले यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में FSD 2 के नाम से वीडियो डले हुए, उन्हें आप बात कर लीजिएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो देखिए एक चीज इसमें हमें देखने को मिलती है, ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है ना। तो यदि 5-6 जो भी हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, रिपोर्टर शब्द को किस भाषा में हिंदी में ग्रहण किया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए आप देख रहे हैं ना। तो चलिए आपके इस बुक में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कर चुकाने का विरोध क्यों किया था, तो उसने इसलिए किया था कि हल्कू को कंबल की जरूरत थी, ठीक है ना, किसकी जरूरत थी, हल्कू को कंबल की जरूरत थी, ठीक है ना। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। ओके चलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने की ही नहीं आती, ये वाक्य किसने कहा था, मैंने पढ़ के भी आपको सुनाया था
ठीक है ना। इसीलिए तो ये जो वाक्य है वो किसने कहा था, ये मुन्नी ने कहा था हल्कू से जब उसने उससे पैसे मांगे थे। मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? तो इस वाक्य का तात्पर्य है कि एक ही की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना मजदूरी किसान करते हैं, और फिर किसान जब फसल हो जाती है तो साहूकार और जमींदार ले जाते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे ये तो कहानी है, ठीक है। अभी कहानी का मैंने आपको सार में बताया, कहानी खत्म कर दी कि मेन कहानी क्या थी। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्रिएट होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से आपको क्वेश्चन देखना होगा, तो इसमें से जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो क्वेश्चन होता है आपका, एक तो यथार्थवादी से क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। कहानी के बीच बीच में दिए हुए हैं। हल्कू ने खेत पर ठंड से बचने के लिए क्या किया था? तो देखिए उसने अलाव जलाया था, ठीक है ना, लकड़ी और थोड़े पत्ते पत्ते इकट्ठे करके उसने क्या किया था, उसने अलाव जलाया था। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी, इस वाक्य में किसके जगने की ओर संकेत किया गया है? तो देखिए इस वाक्य में जो है आग, आग की ओर जगने पर संकेत किया गया है, ठीक है ना। हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, जो हवा का झोंका मिलता है तो आग भभक सी उठती है, ठीक है ना। ओके फिर बंद हो जाती है। हल्कू के खेत की बड़ी फसल को किसने नष्ट किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नीलगायों ने नष्ट किया था, ठीक है ना। कहानी का सार भी दिया है, कहानी का सार देखिए यहाँ पे है। ये कहानी का सार अगर पूछता है तो आपको जो मैंने अभी तक बताया वही आपको लिखना होगा। ग्रामीण जीवन से संबंधित है, एक किसान से संबंधित है, थोड़ी जमीन है उसके पास, वो खेती करता है, ठीक है, अपने गुजारा बत्ता करने के लिए खेती करता है, खेती से जो आय होती है उसी से वह ऋण भी चुकाता है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए 3 रुपए इकट्ठे करके रखता है, लेकिन महाजन के आ जाने से वह रुपए भी महाजन लेके चला जाता है, और उसकी पत्नी मुन्नी सिर्फ इसका विरोध करती है, लेकिन वह लास्ट में लाचार हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है, और रात में वह फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है, उसका पालतू कुत्ता उसके साथ में होता है, अकेलेपन का उसका साथी होता है। पौष का महीना का मतलब पूस का महीना है, ठंडी हवा चल रही है, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। और वह क्या करता है, बगीचे से पत्तियां इकट्ठा करता है, अलाव जलाता है, ठीक है, और क्या करता है, और आग से उसका शरीर जो है वो गर्म हो जाता है, अलाव की आग से उसे थोड़ी राहत मिलती है, और आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से चादर ओढ़े बैठा रहता है, उधर खेत में नीलगाय घुसती है, ठीक है। पूरी का जो खेत है वो चल के चली जाती है, उनको लगता है कि खेत में नील गाय घुस आई है, लेकिन तब भी वो बैठा रहता है, उनको भगाता नहीं है, नील गाय खेत को चलती रहती है, हल्कू नहीं उठता है, और एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से पुनः बैठ जाता है, और अंत में चादर तान कर सो जाता है। सुबह जब उसकी पत्नी आती है, जगाती है, बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है, वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, और इस पर हल्कू प्रसन्न होता है। खेत नीलगाय चल रही, लेकिन तब भी हल्कू प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है वह, इसलिए प्रसन्न है कि रात को ठंड में यहाँ सोना नहीं पड़ेगा, और यही कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी का सार है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से इसी तरह के पूछे जाएंगे। चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और यहाँ पे दे देते हैं जो हम आपके लिए पहले से ही रखी हूँ, ठीक है ना। यथार्थवाद से संबंधित है, तो यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रतिपाद का मतलब क्या होता है, और प्रतिपाद से साथ ही साथ में शिल्प संरचना शिल्प जो होती है वो क्या होती है वो भी यहाँ पे देखना जरूरी है। कथा वस्तु इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी हमने आपको बताया वही आपको इसमें कथा वस्तु में लिखनी है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, एक किसान से संबंधित है, ठीक है, और किस तरह से वो जिंदगी अपना गुजारता है, किसान को क्या क्या करना पड़ता है, ये सभी चीजें आपको कथा वस्तु में लिखनी होगी, जो जस्ट अभी मैं आपको पढ़ के सुना के आई हूँ, ठीक है। ये प्रश्न देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुन्नी की वह कौन सी बात है जो कहानी में परिणित में व्यक्त हुई है, कहानी की परिणत में व्यक्त हुई है मुन्नी की वह कौन सी बात है। देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा गा, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी, ये बात थी, ठीक है। हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा, देखिए
क्यों? लगातार शोषण से अपनी उपज के प्रति उदासीनता बना दिया था। बोलते ना मानसिकता जब व्यक्त की जाती है मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, तो वो भी शोषण से परेशान हो गया था कि 3 रुपए रखे थे कंबल के लिए वो भी साहूकार ले गया, इसलिए उदासीन बन गया था खेत के प्रति, ठीक है ना। और हल्कू ने खेती को छोड़ने की सलाह देते हुए मुन्नी ने कौन से विचार प्रस्तुत करती है? मुन्नी यहाँ पे 3 पंक्ति में लिखना है इसको, तो आप लिख लीजिए खेती गुजारी कर लेना, सॉरी मजदूरी कर लेंगे, है ना, मजदूरी कर लेंगे और क्या इसमें। ओके चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे देख लेते हैं चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चरित्र चित्रण आप देख लीजिए, कथा वस्तु जो होता है वही चरित्र चित्रण होता है। इसमें आपको कहानी ही लिखनी होगी और इसमें कुछ नहीं लिखना है। क्या चरित्र है इसमें कहानी का? तो भाई वही है, एक तरह से कहना चाहिए कि जो किसान की स्थिति होती है उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ओके चलिए इम्पोर्टेंट चीज जो है हम वो बता देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ओके कला, कला का कहानी की रचना में देश काल का बड़ा महत्व होता है। देश काल का ये परिवेश है, परिवेश कभी कभी पूछता है, तो परिवेश का मतलब देश काल से होता है और देश काल से तात्पर्य क्या होता है? वह परिवेश जिसमें कहानी का पूरा घटना चक्र घटित हुआ हो। जैसे एक क्राइम होता है उसके अंतर्गत जो भी घटनाएं होती हैं तो क्राइम के अंतर्गत होती है, ठीक है ना, तो वो घटना चक्र होता है, वो काल होता है, जिस काल जिस टाइम के अंतर्गत जिस एक आप इसे इसको किस लैंग्वेज में समझाओ, जिस टॉपिक को लेकर के पूरी वो चीज लिखी गई हो वो देश काल होता है। तो कहानी का जो ये तथ्य है किस परिवेश में घटित होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों का राज था, मैंने शुरू में कहा था ना परिवेश वही था, भारत हमारा गुलाम था, ठीक है ना, यानी कि स्वाधीनता नहीं मिली थी उसको और उसके अंतर्गत जो किसानों की दशा थी वो बहुत दयनीय थी, उनका उस वक्त बहुत ज्यादा शोषण होता था। जो ये किसान जमींदार साहूकार लोग होते थे वो शोषण किया करते थे इनका, और वो लोग खेती करते थे और खेती करने के बाद भी वो कर्ज में डूबे रहते थे क्योंकि उनको कर्ज लेना पड़ता था अपना पेट पालने के लिए, और पेट पालने के बाद भी जो उनको है खेती के लिए अपनी किसानी के लिए कर्ज लेना पड़ता था, और इस तरह से कर्ज में वो दबे जाते थे, बहुत पिछड़े हुआ करते थे, अशिक्षित होते थे, और एक बार ऋण के चक्र में यदि फंस जाते थे तो जिंदगी भर वो फंसे रहते थे, आसानी से मुक्ति उन्हें नहीं मिलती थी। और प्रेमचंद ने अपनी कई कहानियों में ग्रामीण जीवन को यथार्थ को चित्रित किया है कि ये देश का ये परिवेश है, तो ये आपको परिवेश में लिखना होगा, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसमें कुछ और आपको समझाना होगा। और एक किसान की दयनीय हालत होती है, किस तरह की हालत होती है, कितने ठंड में, कड़ाके की ठंड में, शरद की रात में भी उसको एक कंबल नसीब नहीं होता है, जबकि वो सबका पेट पालने के लिए क्या करता है, फसल उगाता है। तो ये देश काल परिवेश हो गया, समझ में आया। ओके संरचना शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट है। संरचना शिल्प, संरचना शिल्प का मतलब होता है कि जो भाषा होती है, रचना होती है, वो भाषा में होती है और भाषा के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, ठीक है ना। कोई भी कहानी लिखी होती है, ठीक है ना, अलग अलग शैलियों में होती है, जिसमें शैली और भाषा की कहानी रचना के मुख्य अंग होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस कहानी जो कहानी लिखी गई है इसमें शैली और भाषा जो होती है क्या क्या होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे शैली की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेमचंद की जो पूस की रात है वो अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि ये कहानी जो है वो कथ्य, यानी जो भी हम देश काल देख के आए हैं, और प्रतिपाद्य के दृश्य महत्वपूर्ण है। प्रतिपाद्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाऊंगी, तो सो प्लीज पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगी, तो आप वहां से क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम के ग्रुप में, ठीक है ना। प्रतिपाद्य आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रतिपाद्य क्या होता है और इनमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी है ये कहानी जो है ग्राम जीवन पर, यानी गांव के जीवन पर आधारित है, ठीक है। और आरंभिक कहानियों में जो मुंशी प्रेमचंद के आदर्शवाद दिखाई देता था वो इस कहानी में नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव कहानी की शैली पर दिखाई देता है, ठीक है ना। शैली की शैली जो है यथार्थवादी है। एक क्वेश्चन यदि यथार्थवादी का पूछता है पूछ की रात से, तो आपको यही लिखना है। यथार्थवादी का मतलब क्या होता है, यानी सच में जो है उसी तरह से प्रकट करना। हम बोलते हैं यथार्थ में, यानी प्रेजेंट में है, अभी है। तो यथार्थवादी शैली की विशेषता ही यह होती है
कि जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, वो जीवन को यथार्थ को यानी जीवन यथार्थ को उसी रूप में प्रस्तुत करता है। यानी हलकू जिस तरह का था, एक किसान था, दयनीय स्थिति उसकी थी, वो बहुत गरीब था, उसका शोषण होता था, उसके पास एक कंबल तक इतनी ठंड की रात में ढकने के लिए नहीं थे, तो जो जैसा वो था रचनाकार ने, लेखक ने वैसे ही उसको प्रस्तुत किया, यही यथार्थवाद कहलाता है। ठीक है, तो जिस रूप में वे होते हैं, ठीक है ना, उसी रूप में उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, यही यथार्थवाद कहलाता है। यथार्थवादी रचनाकार यथार्थ के उद्घाटन द्वारा पाठकों की समस्या का हल नहीं देता, मतलब यहाँ पर जो समस्याएं होती हैं उनको तो बताया जाता है, लेकिन उससे निपटा कैसे जाए ये नहीं बताया जाता है, ये लेखक नहीं लिखता है, बल्कि जो पढ़ने वाला होता है उसको यहाँ पे एक मौका दिया जाता है, महसूस कराया जाता है कि वो क्या कर सकता है उसके लिए। कि हल्कू किसान था, वहां पे उसकी समस्या तो एंड नहीं हुई, लेकिन हम आप पढ़ने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि किसान जो है इस स्थिति से ना गुजरे, उसके साथ ऐसा ना हो। यही होता है कि समस्या का कोई हल प्रस्तुत नहीं करते हैं यथार्थवादी में। ठीक है ना, तो ये यथार्थवादी हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भाषा। भाषा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संरचना शैली की बात आती है, तो उसमें शैली, संरचना शिल्प, तो उसमें शैली और भाषा दो चीजें होती है। क्वेश्चन कभी कभी संरचना शैली से पूछ लेता है, और कभी कभी भाषा शैली को दोनों से पूछ लेता है, कभी कभी भाषा पूछ लेता है। तो भाषा जो होती है वो बोलचाल की सहज भाषा ही होती है, उनके जरिए कहानियों में देखने को मिलता है, और खासतौर पर इनके इस कहानी में संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का यहाँ पे उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और जनरली ऐसे जो शब्द है हम हिंदी में भी अरबी, फारसी, संस्कृत शब्द बोलते हैं। ठीक है, और प्राय तद्वत जो तद्भव शब्द होते हैं उनका भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने, क्योंकि कहानी जब गांव की होती है तो यहाँ पे देशज के शब्द, जो गांव में शब्द बोले जाते हैं, जो मुहावरे यूज किए जाते हैं, जो लोकोक्तियां यूज की जाती है, वो सभी चीजें उन्होंने यहाँ पे यूज किया। और वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने बहुत लंबे और जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, यानी इन्होंने अपनी रचना में अपनी भाषा को बहुत सरल और सहज रखा है। ठीक है, वाक बहुत छोटे और सुलझे हुए हैं, ताकि ना, ठीक है, ताकि हम आप उस चीज को समझ सकें, ये भाषा है। ठीक है ना, तो ग्रामीण जीवन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। तद्भव शब्द कम्बल, पूज, उपज, जनक, ओके, क्या है तद्भव शब्द है। देशज शब्द जो जनरली स्पेशल क्षेत्र में बोले जाते हैं, जैसे हार, डील, आले, धौस, खटोले, टप्पे, उपजा, अलाव, दोगर, ये सभी देशज शब्द हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, वहीं के लोग इस चीजों को समझ सकते हैं। और यहाँ पे उर्दू और संस्कृत शब्दों का भी उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है, और उर्दू के ऐसे शब्द जो जनरली हिंदी में बोले जाते हैं वो शब्द उन्होंने यहाँ पे दिया, जैसे सॉरी खुशामद, तकदीर, मजा, अरमान, खुशबू, दिन, सॉरी साफ, दर्द, मालगुजारी आदि। तो ये हो जाएगी यहाँ पे आपकी भाषा, जितनी भाषाएं इसमें उन्होंने लिया, मैंने बताया है उर्दू, अरबी, संस्कृत, ठीक है, देशज, तद्भव, और उन सभी के दो दो चार चार एग्जाम्पल ले लीजिए और यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए। ठीक है ना, सॉरी, ये हो गया संरचना शिल्प आपका। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रतिपाद, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्रतिपाद, क्योंकि जो भी इस तरह की कहानियां होती हैं, चाहे जीने की कला हो, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पूछ के बाद कहानी को यथार्थवादी शैली की कहानी कहा गया है, इस शैली की दृश्य कहानी की तीन विशेषताएं बताइए। जस्ट ऊपर हम बता के यथार्थवादी का ही मतलब होता है जो जैसा उसको उसी तरह से वर्णन करना और लिखना। चलिए प्रतिपाद देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिपाद क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अगर हम ये समझ लेंगे प्रतिपाद क्या होता है तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो प्लीज ये पेन कॉपी ले लीजिए, जो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, आप समझ सकते हैं तो ठीक है, वरना आप लिख लीजिए। ठीक है ना, देखिए कोई भी जो लेखक होता है, जो रचनाकार होता है, जब वो कोई भी चीज लिखता है तो उसके पीछे एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी वह किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कोई भी चीज लिखता है। ठीक है, और जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर वह रचनाकार रचना करता है, वह लेखक उस चीज को लिखता है, वही कहानी का प्रतिपाद्य होता है। ठीक है, समझ में आया।
जो लेखक या रचनाकार जब कोई चीज लिखता है, रचना करता है, उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात लिखी, तो उनका उद्देश्य था एक किसान के बारे में, किसान की स्थिति के बारे में बताना कि उसकी स्थिति कितनी दयनीय होती है, ठीक है ना। तो ये उनका उद्देश्य था सबके सामने लेके आना, और यही वो क्या कहलाता, जो उद्देश्य होता है वही कहानी का प्रतिपाद्य कहलाता है। तो पूस की रात जो होती है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कहानी चौथे दशक के दौरान लिखी गई, जब हमारा जो देश था वो पराधीन था, गुलाम था, जब जो जनता थी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, इस संघर्ष में किसान और मजदूर जनता सभी एक साथ शामिल थे, ठीक है ना। और किसान सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्यों भाई, अपने अधिकार के लिए क्यों, क्योंकि वो साहूकार हैं, जमींदार हैं, उनसे जकड़े हुए थे, उनसे शोषित होते थे, क्योंकि उस जमाने में जमींदारी प्रथा थी, किसानों को अपनी उपज का बड़ा भाग जो है लगान के रूप में या मालगुजारी में चुकाना पड़ता था, और जिसके कारण अपने जीवन यापन के लिए जमींदारों से क्या लेना पड़ता था, ऋण लेना पड़ता था, ठीक है ना। बहुत से जो किसान होते थे अशिक्षित होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए जमींदार महाजन उनसे क्या करते थे, मनमाना कर्ज जो है वो वसूल करते थे, ठीक है। अब जब एक बार कोई किसान उनके कर्ज में फंस जाता था ना, तो आसानी से नहीं छूट पाता था, और वो फंसता ही चला जाता था, और यही स्थिति यहाँ पे हल्कों की भी थी, और मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी स्थिति को दर्शाने के लिए कहानी लिखी, और यही उनका उद्देश्य था, और यही इस कहानी का प्रतिपाद्य था। कहानी जो है वो यथार्थ तो कहानी की पृष्ठभूमि में मौजूद है, शोषण के चक्र में फंसा हुआ किसान है क्या करे, कहानी का एक विषय यही है कि जो किसान है वो शोषण में फंसा हुआ है, वो क्या करे। लेकिन हल्कू भी शोषण के उसी चक्र में फंसा हुआ था, यहाँ तक कि अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हल्कू को मजदूरी भी करनी पड़ती है, लेकिन मजदूरी से मिले पैसे से घर परिवार की जरूरत के हिसाब से पैसे भी बचाता है किसी तरह से, लेकिन आगे महाजन ले जाता है। लेकिन ऐसे में किसान क्या करे, वो तब भी किसानी से क्यों चिपका हुआ है, यही सब चीज आपको इसमें प्रतिपाद में लिखना होगा, ठीक है ना। ओके, यही प्रतिपाद है। हल्कू का किसानी से विश्वास भी उड़ जाता है, अपनी आंखों के सामने वो क्या करता है, नील गाय को देखता है कि वो खेत को नष्ट कर रही है, तब भी वो चादर ओढ़े लेटा रहता है, और खेत के नष्ट हो जाने का उसे जरा भी मलाल, जरा भी दुख नहीं है, बल्कि उसे प्रसन्नता है। किस बात की प्रसन्नता है भाई, किसी का खेत यदि कोई गाय चर जाए, कोई मवेशी पशु, तो क्या वो इंसान प्रसन्न होगा, नहीं होगा, वो उठ के जाएगा। हल्कू ने कोशिश भी की थी लेकिन दोबारा आके लेट गया, वो प्रसन्न था, रीजन यही था कि उसे ठंडी रातों में खेत पर सोना नहीं पड़ेगा। तो क्यों उसकी ऐसी सोच थी, उसके घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो कर्ज में घिरा हुआ था, इसके बावजूद भी खेत उसका नष्ट हो गया, वो खुश था, क्योंकि वह जमींदारों के शोषण से बहुत परेशान था, वह मानसिक रूप से विकलांग हो गया था, और उज्जवल भविष्य की आशा बिल्कुल समाप्त हो गई थी उसके मन में, और इसीलिए भागवाद ने उसे अधिक निष्क्रिय बना दिया था, और इसीलिए वह बहुत खुश था जो उसका खेत नष्ट हो गया था। तो ये कहानी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने आती है कि क्या शोषण का चक्र यूं ही चलता रहेगा, और हल्कू जैसे किसान अपनी उपज की कमाई स्वयं नहीं भोग सकते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रतिपाद्य इसे अच्छे से माइंड में कर लीजिएगा। शिल्प संरचना और प्रतिपाद्य जो होता है वो इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, चलिए शीर्षक की उपयुक्तता में आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे किसान की है, किसान के शोषण से संबंधित ही होता है, क्योंकि कंबल से आरंभ, कहानी का आरंभ उस कंबल की चर्चा से होता है, जिसे खरीदने के लिए हल्कू ने मुश्किल से 3 रुपए बचाए थे, लेकिन उसे भी महाजन को देने पड़ते हैं, और उसकी रात में पुरानी चादर ओढ़ उसे खेत में जाना पड़ता है, और शेष कहानी खेत की उसी रात में घटित होती है। तो पूस की है रात, ठंडी है रात, प्रतीकात्मक भी है, ठीक है, अंधेरी भी है, अलाव भी जलाता है, आंच भी नहीं बची होती है, नील गाय जो होती है सब कुछ खा जाती है। तो ये आपका इसमें देख लेते हैं कि पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या क्या थी। देखिए तो किसानों के शोषण की समस्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको यही लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। ओके
सही गलत है ये तो क्वेश्चन आता था, लेकिन हल्कू भागवादी था। हाँ, किसानों को लगान मालगुजारी नहीं देनी पड़ती थी तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि उन्हें देनी पड़ती थी। अंग्रेजी राज में जमींदारी प्रथा थी, बिल्कुल सही, सही है जमींदारी प्रथा थी। पूछ की रात असल आदर्शवादी कहानी है, तो आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी कहानी है। तो ये था आज का आपका वीडियो, यहाँ पे सारांश जरूर देखिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगी किस पे ग्रुप पे, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए पूछ सारांश में ही पूरी कहानी निकल के आ जाती है। पूछ की रात कहानी की कथा वस्तु किसान जीवन से संबंधित है, ठीक है। हल्कू गरीब किसान है जो कर्ज में दबा हुआ है, लगातार सोशल सर्कल किसानी से विश्वास उठ जाता है, तो आप कथा वस्तु के आधार पर कहानी का विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन यदि कथा वस्तु से पूछता है तो कहानी का विश्लेषण के लिए आप आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। फिर हल्कू कहानी का नायक है, वह गरीब परंतु समझदार किसान है, आप इस चरित्र की विशेषताओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो किस तरह का किसान है उसके चरित्र के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे परिवेश यदि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है तो स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दशा क्या थी, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो यहाँ पे आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। पूछ की रात की शैली यथार्थवादी भाषा बोलचाल के संवाद स्वाभाविक है, आप इस कहानी के में संरचना शिल्प की विशेषताएं बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है संरचना शिल्प की विशेषताओं के अंतर्गत भाषा और शैली आई तो आप लिख सकते हैं। पूछ की रात यथार्थवादी कहानी है, इस कहानी के प्रतिपाद का इस आधार पर विश्लेषण भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यथार्थवादी शब्द आता है तो आपको प्रतिपाद वहां पे लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% इसमें से पूछे जाएंगे, सॉरी पूछ की रात से। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ, फर्स्ट इसका जो यूनिट है वो हमने ले लिया है, पूछ की रात का है। सेकंड यूनिट है जो हम कल देखेंगे, व्यंग निबंध है वैष्णव की फिसलन, जो पिछली बार हटा दी गई थी, अब इसको फिर से लेके आया गया है, हरिशंकर परसाई की है। देखिए मैंने कहा ना सभी चीजों में मेन चीजें जो होती है वो होता है कथ्य, ठीक है, और संरचना शिल्प और साथ ही साथ में प्रतिपाद्य। संरचना शिल्प में शैली भाषा दो चीजें आती, प्रतिपाद्य इतनी चीजें होती है, इतनी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, है ना थोड़ी सी नॉइस प्रॉब्लम, क्योंकि लाइव क्लास का था इसलिए, बिल्कुल बात नहीं। चलिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन करना है तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।